हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और आज हम सब लोग निकल रहे हैं कहीं ट्रिप पर। और ट्रिप पर और देखिए बच्चों की एक्साइटमेंट देखिए, कितने एक्साइटेड हो, काफी एक्साइटेड है। चलिए गाड़ी में रखते सामान क्योंकि हो गया काफी लेट। और ये देखिए भैया उधर गाड़ी निकाल रहे हैं, काफी लेट हो गया, जल्दी से बड़ा सामान रखते हैं और एयरपोर्ट पे पहुंच के आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। बाय 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 चलो। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट यानी लखनऊ एयरपोर्ट। तो भाई ये पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और चेकिंग वगैरह सब कुछ करा चुके हैं, वो सब चेकिंग हो गया है। अब जा रहे हैं गेट नंबर 2 पे, जा रहे हैं गेट नंबर 2 पे, वहाँ पे वेट करेंगे फ्लाइट का। और अभी कुछ बज रहा है, मतलब 3 बजने वाला, 5 मिनट बाकी है और हमारी फ्लाइट है 4:25 की। तो मतलब अभी अराउंड डेढ़ घंटा है, मतलब 1 आवर 30 मिनट अभी हम लोग के पास है। और जा रहे हैं गेट नंबर 2 पे, अंदर जाएंगे, वहाँ पे वेट करेंगे अपनी फ्लाइट का। सो गाइस, सारा सिक्योरिटी चेक करा के फाइनली बैठे हैं थोड़ी देर, और अभी टाइम काफ़ी है, बैठ के बोर ही हो रहे हैं यहाँ पे। सारा सिक्योरिटी चेक करा ही चुके हैं और 1 घंटे बाद फ्लाइट है। तो गाइस, अब मैं बताता हूँ आप लोगों की आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ गुजरात में अहमदाबाद, और अहमदाबाद में कई जगह जाना घूमने, वो आप लोग वीडियो में देखिएगा कहाँ कहाँ जाना है। अभी तो फ़िलहाल अहमदाबाद जाएंगे, आज शाम को 7 बजे तक पहुँच जाएंगे, 8 बजे तक अपने होटल पहुँच जाएंगे। और फिर कल कुछ प्लान है कहीं जाने का, अभी कल कहीं जाएंगे, कल क्या सोमनाथ मंदिर। ओके, तो कल जाएंगे गाइस सोमनाथ मंदिर। सावन का महीना चल रहा है तो भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी है, और बहुत ही लकी हुई मैं अपने आप को मानता हूँ कि इस सावन के महीने में सोमनाथ मंदिर पहले सोमवार दिन सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। आई एम वेरी लकी। चीनू, ओ माय गॉड, इज दिस बर्गर और पेस्ट्री? इज दिस बर्गर? चीनू मजे ले रही है। ओ माय गॉड, सम स्नैक्स बता रही थी। इनका स्नैक्स आ गया। तो गाइस, अब लगते हैं लाइन में क्योंकि एंट्री शुरू हो गई है, इधर पीछे एंट्री शुरू हो गई और लाइन में लगते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अंदर। चलो 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 आगे, बस इंडिगो की बस। चलो मैं ऑटो दी यहाँ बैठ, गुजरात।
गए जब आगे फ्लाइट के अंदर अपनी सीट पे बैठ गए हैं और मास्क पहनना कंपलसरी है, तो बस मास्क पहन के बैठे हुए हैं। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा, लेकिन कोविड है तो सब चीज़ें देखनी पड़ रही। Behalf of my colleague Chetan, the cockpit and crew led by Richa, we are delighted to have you on board for a service to Ahmedabad. At the outset, would like to apologize for delayed departure due to delayed incoming of the aircraft. We are now ready. Sit back, relax, make yourself comfortable, follow all the safety norms, and enjoy the flight. Okay. Awaaz flight. Thank you. तो गाइस अभी सीन कुछ ऐसा है कि हमारी फ्लाइट 20 मिनट डिले हो गई है, मतलब टेक ऑफ जो था उस समय था टेक ऑफ का 4:25 का, अब 4:45 हो रहा है करेक्ट इस समय, तो 20 मिनट डिले हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं। गाइस फाइनली लोग पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। गाइस हम लोग सब पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, और लखनऊ से करीब हम लोगों ने 4:50 के आसपास टेक ऑफ किया था, और अहमदाबाद में लैंडिंग हो गई हम लोगों की 6:25 के आसपास, मतलब वही वन आवर 30 मिनट की हम लोगों की जर्नी थी। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया, मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। और हम लोग पहुँच चुके हैं।
तो गाइस अब यहाँ से लेंगे हम लोग अपना अपना लगेज और लगेज में कहीं आ रहा होगा ट्रॉली लेते हैं, तो चलिए यहाँ से लेते हैं ट्रॉली, बैग ले जाने में आसानी होगी। लेते हैं ट्रॉली और यहीं हम लोग रुकते हैं, यहीं पे आएगा अपना लगेज और उसमें रखते हैं फिर ट्रॉली में। और ये आ गया है अपना दूसरा बैग। ओके रुकते हैं यहाँ पर। और ये आ रहा है चिनू का बैग। क्यों चिनू, ये आपका बैग है? चलो चिनू का बैग भी आ गया, इसको ऊपर दें नहीं आप उधर ना इसके ऊपर आएगा। ठीक है चलो सामान आते हैं। गाइस अब आ चुके हैं हम लोग एयरपोर्ट के बाहर और यहाँ से जा रहे हैं इधर गाड़ी से अपने होटल। और भैया आ गए गाड़ी, सामान वामान सब गाड़ी में जा चुका है। चलिए गाड़ी में बैठते हैं अंदर। तो गाइस फाइनली होटल पहुँच चुके हैं 2 घंटे के बाद, एयरपोर्ट से आते 2 घंटे लग गया यार क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हो रही है और अभी भी हो रही है अहमदाबाद में। तो अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये अपना होटल है और जाते हैं अंदर। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने होटल के रूम में और इस टाइप का कुछ हम लोग का होटल का रूम है, काफी बेहतरीन सा इंटीरियर, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। ये देखिए कुछ इस तरह का इंटीरियर आपको पीछे लोग दिख रहा होगा। और जैसे ही हम लोग होटल में एंटर हुए तो उन लोगों ने वेलकम में ये दिया था कोई गिफ्ट जो कि है एक कुकी। और गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड क्योंकि काफी थके हुए हैं, एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में लग गया काफी टाइम, तो उसमें से काफी थक गए हैं। और जल्दी ही मिलूंगा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलता हूँ अगले व्लॉग में।